नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। पानीपत में एक घर में नरकंकाल मिला है। नरकंकाल मिलने से दहशत का माहौल भी व्याप्त है। आपको बता दें कि पानीपत के विकास नगर में 18 महीने से लापता 31 वर्षीय टेक्नीशियन हरबीर सिंह के घर में खुदाई के दौरान नरकंकाल मिला है। आशंका जताई जा रही है कि कंकाल टेक्नीशियन का ही है। हत्या का शक पत्नी पर है। हरबीर के बड़े भाई हरिओम ने आरोप लगाया है कि हरबीर की पत्नी और अन्य ने गुपचुप तरीके से कंकाल को घर में ही दूसरी जगह दबाया था। वहीं पुलिस का कहना है कि डीएनए टेस्ट से ही मामला साफ हो पाएगा। फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। शनिवार यानी आज पोस्टमार्टम होगा, जिससे पता चलेगा कि कंकाल पुरुष का है या महिला का। यहाँ आपको बता दें कि सूचना मिलने पर फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर नीलम आर्या, थाना प्रभारी राजबीर सिंह मौके पर पहुंचे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कराकर कंकाल को कब्जे में लिया गया। हरबीर के बड़े भाई हरिओम ने आरोप लगाया है कि हरबीर की पत्नी और अन्य ने कंकाल को घर में ही दबा दिया था। उसने बताया कि जब उसके बेटे ने निर्माण कार्य के लिए हो रही खुदाई के दौरान खोपड़ी देखी तो आकर बताया, फिर खुदाई कर कंकाल को निकाला गया। वहीं मृतक के भाई हरिओम ने कहा कि कंकाल हरबीर का भी हो सकता है। पुलिस डीएनए टेस्ट करा, मामले की गहराई से जांच करे, इससे पता चल सके कि कंकाल किसका है। बताते चले कि कंकाल को दोबारा दबाने के आरोप से शक के दायरे में आई पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हरबीर की दो बेटियां 11 वर्षीय तनु और 9 वर्षीय मीनाक्षी और 7 वर्षीय बेटा ऋतिक है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।